अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वैलिडिटी पे। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वैलिडिटी में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक है सेंसिटिविटी, एक है स्पेसिफिकसिटी। ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं, बिफोर गोइंग टू दैट वी नीड टू ड्रॉ द 2x2 टेबल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मैं आपको बहुत ज़्यादा इजीली बता दूंगा। ठीक है, रटा मारने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ पे। ठीक है, और बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, लेट मी ड्रॉ द 2x2 टेबल एंड इट्स कैन बी रियली इजी फॉर यू गाइज। ठीक है, देखो एक मिनट, लेट मी फाइंड अ पेज। अच्छा जी, देखो सबसे पहले आप में मैं बुक वाली डायग्राम भी दिखा दूंगा, मैं सिर्फ रफ बना देता हूँ। ठीक है, कि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, देखो सबसे पहले ना इसमें ये हो गया ये, ठीक है, फिर इसके बाद ये, सिर्फ मैं आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट की जगह है। ठीक है, ये पॉजिटिव की जगह है, ये नेगेटिव की जगह है। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट की। ठीक है, फिर इसके बाद ये डिजीज लोग हैं, ये नॉन डिजीज लोग हैं। ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद ये डिजीज लोगों की लाइन है, ये नॉन डिजीज लोगों की लाइन है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये जो मैंने बता दिया ना, ये वो लोग हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया, ये वो लोग आए हैं जिनका टेस्ट नेगेटिव आया है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है कि हमारे पास जैसे यहाँ पे है, देखो ये हमारे पास वो लोग हैं जिनको हमारे पास जिनका टेस्ट भी पॉजिटिव आया और उनको डिजीज़ भी थी। ठीक है, टेस्ट भी पॉजिटिव आया और उनको डिजीज़ भी थी, तो ये हो गया ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव लगा देना है, ट्रू पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनका टेस्ट तो पॉजिटिव आया है, ठीक है, लेकिन ये असल में नॉन डिजीज लोग थे। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, फिर ये वो लोग हैं जिनका टेस्ट नेगेटिव आया है लेकिन इनको डिजीज थी, तो ये हो गया फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, एंड ये वो लोग हैं जिनका टेस्ट भी नेगेटिव आया और ख़ुद भी नेगेटिव थे, तो ये हो गया हमारे पास ट्रू नेगेटिव। ठीक है, तो फिलहाल के लिए सिर्फ याद रखने के लिए करो कि ये लाइन जो है ऐसे वाली, ठीक है, ये हमारे पास ट्रू की लाइन है और ये हमारे पास फॉल्स की लाइन है, तो ये ट्रू पॉजिटिव हो गया और ये हमारे पास हो गया ट्रू नेगेटिव। ठीक है, और ये फॉल्स की लाइन है, तो ये ट्रू फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव हो गया और ये फॉल्स नेगेटिव हो गया। ठीक है। अच्छा, अब देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ पे आ जाएगा, सी प्लस डी, सी प्लस डी यहाँ पे आ जाएगा, ए प्लस सी इधर आ जाएगा और बी प्लस डी इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 2x2 टेबल हो गया। अच्छा, नाउ वी कम टू सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी में क्या होता है? सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू आइडेंटिफाई द पीपल हु एक्चुअली गॉट द डिजीज, द ट्रू पॉजिटिव पीपल इज नोन एज सेंसिटिविटी। ठीक है, अब सेंसिटिविटी जो होता है ना, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, एक कट ऑफ लेवल टेस्ट पे डिपेंड कर रहा होता है और एक मेजरिंग टेस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको सेंसिटिविटी का फार्मूला बता देता हूँ। ठीक है, सेंसिटिविटी का फार्मूला रट्टा नहीं मारना, ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ फिलहाल के लिए, मैं फिर वहाँ से भी दिखा दूंगा कि कैसे करना है। ए डिवाइड बाई ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 100। देखो सेंसिटिविटी बेसिकली टेल्स अबाउट दी ट्रू पॉजिटिव पीपल। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव कौन सी जगह थी? ए था। ठीक है, अब सेंसिटिविटी ने तो हमें डिजीज लोगों के बारे में बताया है ना, तो ट्रू पॉजिटिव ए ऊपर आ जाएगा और बाकी ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस सी डिजीज लोगों के बारे में सेंसिटिविटी ने बताया है। ठीक है, तो ए प्लस सी। फिर स्पेसिफिसिटी एक्चुअली टेल्स अबाउट द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू आइडेंटिफाई पीपल हु डू नॉट एक्चुअली गॉट द डिजीज, लाइक ट्रू नेगेटिव के बारे में बताते हैं, तो ट्रू नेगेटिव कौन से थे? डी था। ठीक है, डी, और किन लोगों को डिजीज नहीं थी? डी प्लस बी को डिजीज नहीं थी, तो डी डिवाइड बाय डी प्लस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नाउ वी कम टू द पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू बेसिकली ना, इट इज़ अ प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी। देखें, देखो इजी सी बात है, हमारे पास द टेस्ट आया, पॉजिटिव टेस्ट आए हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसमें से हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें हमारे पास कौन से लोग हैं जिनको एक्चुअली डिजीज थी? ठीक है, लाइक हमारे पास टेस्ट में टेस्ट आया, पॉजिटिव टेस्ट हमारे पास आए हैं 100। ठीक है, अब उसमें से कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जिनको एक्चुअली डिजीज है, तो वो हमारे पास है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। ठीक है, मैं आपको रीड करके भी बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी,
दैट इंडिविजुअल हु टेस्ट पॉजिटिव फॉर द डिजीज एक्चुअली हैव द डिजीज़। मतलब कि टेस्ट जिनका पॉजिटिव आया उसमें से कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिनको एक्चुअली डिजीज़ थी। तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ये है, वो लोग जिनका टेस्ट नेगेटिव आया उनमें से कौन से एक्चुअली लोग हैं जो एक्चुअली नेगेटिव है ना। तो हमारे पास हो गया नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का फार्मूला और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का फार्मूला निकालते हैं, ठीक है। देखो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव लोग हैं तो ए आ जाएगा, ठीक है। अब हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो नीचे हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, तो नेगेटिव की बात हो रही है तो डी आएगा, और नेगेटिव पूरे नेगेटिव की बात हो रही है तो सी प्लस डी आ जाएगा नीचे, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास ये इवेल्यूएशन ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट की जब बात आएगी ना, तो उसमें आपने ये छह चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है। स्पेसिफिक सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, परसेंटेज ऑफ फॉल्स नेगेटिव एंड परसेंटेज ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। नाउ वी कम टू द फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। देखो फॉल्स पॉजिटिव, सबसे पहले हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव लोग, ठीक है। फॉल्स नेगेटिव लोग हमने कैसे मालूम करने हैं, फॉल्स नेगेटिव मतलब कि वो लोग जिनको डिजीज़ नहीं थी लेकिन स्टिल उनको दिखा रहे हैं कि डिजीज़ है, सी, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, ए प्लस सी, ठीक है। और फॉल्स पॉजिटिव में हमारे पास वो लोग जिनको डिजीज़ नहीं थी और उनको दिखा नहीं डिजीज़ फॉल्स पॉजिटिव है मतलब उनको डिजीज़ नहीं थी लेकिन दिखा रहे थे टेस्ट में, क्या है, तो बी डिवाइड बाय बी प्लस डी, ठीक है। अच्छा नाउ वी कम टू यील्ड। यील्ड बेसिकली ये चीज़ होती है कि जो हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट से रिजल्ट आता है ना, तो उसको हम यील्ड कहते हैं, ठीक है। तो वो सेंसिटिव भी हो सकती है, वो स्पेसिफिकसिटी सेंसिटिविटी भी हमें पता लग, हमें सेंसिटिविटी का पता लगता है कि किनको ट्रू पॉजिटिव है, स्पेसिफिकसिटी का पता लगता है कि कौन ट्रू नेगेटिव है, प्रीवेलेंस ऑफ डिजीज़ के बारे में पता लगता है, और पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल इन डिटेक्टिंग प्रोग्राम, ठीक है, बस दैट्स इट। अच्छा जी बाकी ये जो सैम्पलिंग वाला किस्सा है ना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।